बागेश्वर धाम ना पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्रीए सोमनाथ महादेव ने शीश झुकावी पूजन अर्चन कर्यु हतुं अने सोमनाथ महादेव समक्ष संकल्प पण लीधो हतो। हाल बागेश्वर धाम सरकार मंदिर ना पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात की मुलाकात आया छे। ते देश ना प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिरे महादेव ने शीश झुकावा माटे पहुंचा हता। धीरेन्द्र शास्त्री प्रथम वक्त सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचया अने महादेव ने शीश झुकावीने पूजा अर्चना करी। महादेव ने रूबरू थया बाद बोल्या कि अमे भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर में संकल्प लीधो छे के अहीं कथा करीशुं अने कैंसर हॉस्पिटलनुं निर्माण करीशुं। भूतकाळमां सोमनाथ उपर अनेक हुमलाओ थया छे, आवा सवालोनी प्रतिक्रिया आपता धीरेन्द्र शास्त्रीए कह्युं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनावीशुं अने त्यारबाद कोई पत्थर नहीं फेंके। आज भगवान सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम, गुजरात भक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ भगवान है। सोमनाथ भगवान के चरणों में, इनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए हम आए हैं। यहाँ हमने ध्वजा पताका भी चढ़ाई, पगड़ी भी चढ़ाई, जिस प्रकार ध्वजा फहराया तो मंगल कामना की, भारत के घर घर इसी प्रकार सनातन संस्कृति का ध्वजा फहराता रहे। और आज हमने यहाँ एक दिव्य संकल्प लिया कि बहुत जल्दी गुजरात के सोमनाथ की भूमि पर हम, प्रवीण जी, कीर्तिदान हमारे प्रिय, ये सभी पूरे मंडल ने, मामा जी, इन सब ने, नत्थू भाई जी ने, सब ने बैठकर संकल्प लिया इस गुजरात की भूमि सोमनाथ महादेव को एक कथा सुनाएंगे और उस कथा में जो है कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाएगा। मोहम्मद गजनी यहाँ चढ़ाई की थी सोमनाथ मंदिर, बाबा हिंदू राष्ट्र पर क्या बताएंगे? इसीलिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ये चढ़ाई, ये पत्थर फेंकना, रामचरितमानस को फाड़ना, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, ये सब बंद तभी होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र। क्या मानते हैं कब हिंदू राष्ट्र हो सकता है? बहुत जल्दी, जिस दिन आप जैसे लोग जग गए, समझदार लोग, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। महेश डोरिया, आर फॉर यू न्यूज, गिर सोमनाथ।